आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थियों का सीएम आवास पर प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के सामने किया हंगामा। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद, अभ्यर्थी महीनों से कर रहे प्रदर्शन, अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इको गार्डन भेजा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, कितने लोग मौजूद थे इस प्रदर्शन में और उन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन भेजा गया, इसके आगे अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, आपको बता दें कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामला चल रहा, उसमें 22,000 लोगों को जोड़ने की मांग और अपने आरक्षण घोटाले की मांगों को लेकर सीएम आवास को ये अभ्यर्थी दूसरी बार दे गए हैं और उनकी मांग साफ तौर पे है, जिसमें 17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे, जिसमें इस बार फिर महिलाओं की संख्या ज्यादा रही और वहां पे मौजूद जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनका साफ तौर से कहना था कि महिलाओं को मतलब गलत तरीके से उन्हें उठाया जा रहा है और गिरफ्त में लिया जा रहा है। जी विभांशु, धारा 144 लागू है लखनऊ में और ऐसे में ये प्रदर्शन, क्या कहेंगे? जी, ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पुलिस की इसमें बहुत बड़ी चूक है कि कैसे सीएम ऑफिस, जो कि हाईली मॉनिटरिंग एरिया है, वहां पे इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं और महज 3 दिनों में ये दूसरी बार वहां छात्र पहुंच के प्रदर्शन किए हैं, तो इसमें पुलिस के प्रशासन के काम पे कड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो इन्हें रोकने में नाकाम कैसे हो जा रहे हैं। जी, इको गार्डन लेके गया गया है सभी प्रदर्शनकारी को, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी विभाजु? इको गार्डन ले गया गया है, वहां उनके नाम नोट किए जाएंगे, फिर उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है और इस बार का प्रदर्शन में आप देख सके तो कुछ लोगों के कुछ तस्वीरें भी आई हैं, जो कि कैमरे में वहां मौजूद लोगों ने देखा और कैमरे में भी कैद हुई है। तो इससे खास तौर पे हम कह सकते हैं कि इस इन प्रदर्शनकारियों की मांगों को सरकार को बैठ के और सुनना चाहिए, जिससे धारा 144 लागू होने के बावजूद भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए सरकार को। विभांशु, हम ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार की मांगों से इस बार की प्रदर्शन के दौरान की मांगों में क्या अंतर है? जी, उनकी मांग में वही मांग है, इसमें बस उनका कहना ये है कि टोटल जो 1,35,000 का आंकड़ा बन रहा है उन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए, ना कि 22,000 लोग को दिया जाए। इसमें 3 तरह के, एक तो त्रुटि संशोधन का मामला है, एक आरक्षण घोटाला है और एक नियुक्ति पत्र दिए, नियुक्ति पत्र बांटने के बावजूद अभ्यर्थियों का नियुक्ति नहीं हो सका, वो जिनकी ज्वाइनिंग ना हो सकी। इन तीनों लोगों का अगर जोड़ के देखा जाए तो 1,37,000 लोग होते हैं और इनके मांग साफ तौर पे है कि इनकी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए और आरक्षण घोटाले में जो घोटाला हुआ है उसका निष्कर्ष निकाल सके सरकार। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ विभांशु जुड़े थे लखनऊ से संवाददाता। उन्नाव में मानव कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, सरसों के खेत में मिला मानव कंकाल। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। कोतवाली बांगरमऊ के रसाल खेड़ा गांव की घटना, उन्नाव में मानव कंकाल मिलने से मचा हड़कंप। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरसों के खेत में मिला मानव कंकाल। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। कोतवाली बांगरमऊ के सराल खेत का गांव का मामला। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।